फ्रेंड्स, आज हम मैंगो की एक बहुत ही यमी, क्विक और डिलीशियस सी बनने वाली रेसिपी बनाएंगे, मैंगो क्रीम, जिसे हम मैंगो फ्रूट क्रीम भी कहते हैं। ये मैंगो के सीजन में अगर कोई शादी फंक्शन या कोई भी छोटा मोटा फंक्शन होता है तो हलवाइयों द्वारा स्पेशली बनाई जाती है और ये बहुत ही यमी रेसिपी होती है और जैसे झटपट सी तैयार हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना मैंगो फ्रूट क्रीम। इसके लिए एक बाउल के अंदर मैंने 1/4 चम्मच जितना दूध लिया है, ये गुनगुना दूध है। इसके अंदर हम 1 पिंच भर कर केसर डालेंगे, जो कि केसर अपना कलर छोड़ देगी और स्वाद भी छोड़ देगी। तो यहाँ पर हम इसे एक तरफ रख देंगे। 1 प्लेट के अंदर मैंने काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश लिए हैं, जिसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं मैंने। यहाँ पर मैंने केसर आम लिया है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आम होता है और ये पका हुआ आम लिया है मैंने, ताकि ये बहुत ही अच्छा कलर होता है इसका। देखिए, आम का हम पतला पतला इस तरीके से छिलका निकाल देंगे। अगर आपके वहाँ केसर आम उपलब्ध नहीं है तो आप दूसरा कोई भी आम इस्तेमाल कर सकते हैं, पका हुआ, जो खाने में बहुत मीठा भी हो और जिसका कलर भी बहुत अच्छा हो, ताकि हमें कोई आर्टिफिशियल कलर भी नहीं मिलाना पड़े। तो हम आम का इस तरीके से छिलका निकालने के बाद हम इसको ऐसे क्यूब्स में इसके टुकड़े कर देंगे और हमें सारे आम का इसी तरीके से छिलका निकाल कर इसको ऐसे क्यूब्स में काटना है। और काटने के बाद हम इसे एक बाउल में निकाल देंगे। तो हम सारे आम को इसी तरीके से काटेंगे और आम आप जब चूज करें तब थोड़ा पका हुआ आम चूज करें। तो ये देखिए, हमने सारे आम को इसी तरीके से टुकड़ों में काट दिया है और एक छोटे आम का टुकड़ा मैंने एक्स्ट्रा काट के रखा है गार्निशिंग के लिए। और यहाँ पर हम फ्रूट क्रीम बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो मैंने 1 कप हैवी क्रीम ली है, जो आप डेयरी क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जो केसर भिगोई थी वो वाला दूध मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। और इसके बाद हम इसके अंदर 1/2 कप से थोड़ा कम शक्कर का पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो इसकी मात्रा बाद में बढ़ा सकते हैं टेस्ट करने के बाद, अगर आपको कम लगे तो। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके अंदर, ताकि शक्कर इसके अंदर पूरी तरह से घुल जाए। और इसके बाद हमने जो ड्राई नट्स काटे हैं वो हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे ड्राई नट्स को। तो हम सारे टुकड़ों में जो काटे हुए ड्राई नट्स हैं वो इसके अंदर डाल देंगे। अब कटा हुआ जो आम है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और देखिए, ये बहुत ही आसान रेसिपी है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, आम का और ड्राई नट्स वगैरह को और शक्कर को, ताकि ये सब आपस में घुल मिल जाए और इनका बहुत अच्छा सा स्वाद आए बाद में। और इसके ऊपर मैंने कार्डमम पाउडर डाला है, यानी इलायची पाउडर जो होता है, और 1/4 चम्मच जितना डाला है। और अब हम इसे चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद देखिए, हमारा ये मैंगो क्रीम जो है बन के तैयार हो गया है। और देखिए कितना इजी रेसिपी है। अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे। ये फ्रिज में रखना ज़रूरी है, ताकि ये मैंगो क्रीम थोड़ी गाढ़ी भी हो जाए और ये मैंगो का इसके अंदर अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो 2-3 घंटे के लिए कम से कम इसे फ्रिज में रखना ज़रूरी है। हमारी देखिए मैंगो क्रीम बन के तैयार हो गई है और मैंने इसे पिस्ता के टुकड़ों से गार्निश किया है। तो ये रेसिपी बहुत ही ईजी है, लेकिन एक बहुत फटाफट तैयार हो जाने वाला डेजर्ट है। तो आप भी बनाइए रेसिपी और बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में आपको कैसी लगी। मिलते हैं हम अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।